अभी आपने इंडस्ट्री में अभी 10 साल आप पूरे कर रहे हो, तो कैसा रहा ये सफर आपका, पहले तो ये बताइए। मुझे ऐसे लगता नहीं है कि अब मैं यहाँ 10 साल से मैं काम कर रही हूँ, ऐसे लगता है कि कल ही मैं आई हूँ और इतना सारा काम बाकी है और बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, बहुत बहुत और सारी फिल्मों में मैं काम करना चाहती हूँ, अलग अलग टाइप के रोल्स करना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अभी अभी मैं मेरी शुरुआत हुई है। वैसे रोल की बात आप करें तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि शांति से वेरोनिका तक, फिर उसके बाद लीला से पीकू, देन उसके बाद सेलेना से अभी रानी पद्मावती, और इतने सारे ये जो वेरिएशन है ये आप कैसे कर लेती है? बस क्योंकि मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ और कैरेक्टर्स को यू नो टू ब्रिंग देम टू लाइफ और उनको यू नो उसके बारे में सोचना, उनको उसको क्रिएट करना एंड टू एक्चुअली सी, एक जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो व्हेन यू सी अ कैरेक्टर ऑन पेपर एंड टू एक्चुअली ब्रिंग इट टू लाइफ, टू गिव इट अ लुक, टू गिव इट मैनरिज्म्स, टू डू ऑल ऑफ दैट, आई फाइंड दैट वेरी वेरी फैसिनेटिंग एंड इट्स एन इनक्रेडिबल फीलिंग एंड प्रोसेस। स्पेशली जब हम जैसे पद्मावती के साथ जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और आज जब मैं ट्रेलर्स देखती हूँ, जब मैं प्रोमो देखती हूँ, जब मैं गाने देखती हूँ, तो इट्स ऑलमोस्ट सरियल कि एक साल पहले जो मैंने सिर्फ पेपर पे पढ़ा था या पेपर के ऊपर मैंने विजुलाइज किया था, दैट्स एक्चुअली कम टू लाइफ। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। ओके, तो ये आई वॉन्टेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, यू सीम लाइक यू नो बिकॉज यू जस्ट नाउ सेड कि 10 साल आपको पूरे हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब और ही बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारे रोल्स करने हैं, सो योर माइंड मस्ट बी कम्प्लीटली लाइक इट मस्ट बी रनिंग ऑल द टाइम, रियली रेस्टलेस माइंड, ये करना है वो करना है। आई हैव अ वेरी रेस्टलेस माइंड, दैट्स वेरी ट्रू, और इनफैक्ट इवन माई टीम हमेशा कहते रहते हैं कि जब मैं घर पे भी हूँ, व्हेन आई एम सपोज टू हैव लाइक एन ऑफ डे और समथिंग, even then my mind is constantly working, like in the house, like what can I do, I'm constantly cleaning, I'm doing something, I can't sit, matlab shanti se baithe to you feel a little guilty ki matlab maine kuch, as in I've not done anything, does that happen to you? Yeah, I feel like it doesn't have to be specifically work related, but I can't let my mind be idle, like even when I'm at home I have to clean my DVDs or I have to clean my room or kitchen mein, you know, I have to do something, I have to constantly keep my mind occupied. Did you just say DVDs? You still have DVDs? Yeah, I do. Don't make fun of me. अच्छा, तो ये डायलॉग मतलब आपके लिए लिखा गया था, जो पहली फिल्म थी आप शांति, आपका नाम था शांति, तुम बोर तो नहीं हो रही हो? तो आप कभी बोर नहीं होते, मतलब आप कुछ ना कुछ खुराफात या कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। I feel it's criminal to feel bored. Our lives are so exciting, या हम अपनी जिंदगी को exciting बना सकते हैं, या if not exciting, at least calm और peaceful रह सकते हैं, but not boredom. I think boredom is not a good thing. Okay, क्योंकि आपने बहुत बार अभी रानी साहिबा का किरदार प्ले कर लिया है, तो ऐसी कुछ आदतें पड़ गई है क्या आपको, मतलब घर में जैसे मग भी उठाती तो ऐसा रॉयल चीजें, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट आई एम कम्प्लीटली द ऑपोजिट, जैसे ही सेट पे मेरा काम खत्म मैं करती हूँ, मैं जैसे ही मैं गाड़ी में बैठती हूँ, आई जस्ट कम्प्लीटली स्विच ऑफ एंड आई वॉन्ट टू बी इन टच विद द रियल मी एंड हु आई एम, बिकॉज आई फील नेक्स्ट डे आई नीड टू ब्रिंग द फ्रेशनेस बैक टू व्हाट आई एम डूइंग। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो आई फील दे लिव इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक मे बी माई प्रोसेस इज डिफरेंट, आई फील लाइक आई लिव इट फॉर दैट डे एंड देन आई नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम इट, आई नीड टू गो होम एंड यू नो do things that I would do normally and then go back to set with a fresh mind. Also, you know, Sanjay Leela Bhansali always makes intense films. Has he ever spoken to you about making a comedy film? Does he want to get out of that space? Sanjay Leela Bhansali comedy. I don't know. I've never really thought about it. Is he also a funny person on set? He's hilarious. Yeah? He's brutal. Okay. He's hilarious. Okay. But somehow his films are, but you see it sometimes. Ramlila made, I think there were quite a few comic moments as well. I don't know if you all remember, but in Ramlila, some of the comic, you know, moments came out very, very well. But no, otherwise, I think he's quite an intense, from a film point of view, you know, ek intensity hai, ek, you know, the scale, the grandeur, there's all of that. But as a person, he's very funny. Radio City.